टाटा आईपीएल 2024 का 36वां मुकाबला जो कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के बीच खेला गया था, जिसमें कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने 1 रन से मुकाबले को जीत ली। और पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने 222 रन बनाए थे और रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 223 रनों का लक्ष्य दिया था। वही दिन रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु की टीम ने 20 ओवरों में 10 विकेट खोकर 221 रन बनाए, यानी कि अंतिमवे गेंद तक खेल चला, लेकिन अंतिमवे गेंद पर रन आउट के रूप में अपना विकेट गंवाए। और रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु की बदकिस्मत यह रही कि मुकाबले को 1 रन से हार गए, यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने भी 220 रन बना दिए। और जीत दर्ज करने के साथ ही कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने टाटा आईपीएल 2024 में 7 मुकाबले खेले, जिनमें 5 जीत और 2 हार के साथ उनका पॉइंट 10 है और उनका रन रेट +1.206 के साथ दूसरे पायदान पर पहुंच गई है। वहीं टॉस रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो ईडन गार्डन कोलकाता में खेला गया था। और कोलकाता नाइट राइडर्स के प्लेइंग 11 में फिलिप शाह, सुरेश अय्यर, सुनील नारायण, अंकित रघुवंशी, आंद्रे रसेल, रिंकू सिंह, वेंकटेश अय्यर, रमनदीप सिंह, मिचेल स्टार्क, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा। और सबस्टिट्यूट के रूप में सूर्यंश शर्मा, अनुकूल रॉय, मनीष पांडे, दिवा अरोरा, रहमतुल्ला गुरबाज। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के प्लेइंग 11 में फाफ डु प्लेसिस, विराट कोहली, विल जैक, रजत पाटीदार, कमलन ग्रीन, दिनेश कार्तिक, महिपाल डोमरो, करम शर्मा, लौकी फर्गुसन, यश दयाल, मोहम्मद सिराज। और सबस्टिट्यूट के रूप में सुयांश प्रभु देसाई, अनुज रावत, हिमांशु शर्मा, विजय कुमार और सौपति सिंह। और आमंत्रण में उतनी पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 222 रन बनाए। और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने पावर प्ले में 3 विकेट गंवाकर 75 रन बनाए थे। और कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज सदस्य अय्यर रहे थे, जिन्होंने 50 रनों की अशतकीय पारी खेली थी। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की बल्लेबाजी की ओर से फिलिप शाह ने 48 रन बनाए, सुनील नारायण ने 10 रन बनाए, अंकित रघुवंशी ने 3 रन बनाए, सुरेश अय्यर ने 50 रन बनाए, रिंकू सिंह ने 24 रन बनाए, आंद्रे रसेल ने 27 रन बनाए, रमनदीप सिंह ने 24 रन बनाए। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स का पहला विकेट 56 पर गिरा, दूसरा विकेट 66 पर गिरा, तीसरा विकेट 75 पर गिरा, चौथा विकेट 97 पर गिरा और पांचवा विकेट 137 पर गिरा और छठा विकेट 179 पर गिरा। और रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के गेंदबाजी की ओर से मोहम्मद सिराज ने 4 ओवर में 40 रन दिए, 1 विकेट चटकाए, यश दयाल ने 4 ओवर में 56 रन देकर 2 विकेट चटकाए, लौकी फर्गुसन ने 4 ओवर में 47 रन देकर 1 विकेट चटकाए, करण शर्मा ने 4 ओवर में 33 रन दिए, कमलन गिरी ने 4 ओवर में 35 रन देकर 2 विकेट चटकाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु की टीम ने 20 ओवर में 10 विकेट खोकर 221 रन बनाए। और रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु की टीम ने पावर प्ले में 2 विकेट गंवाकर 74 रन बनाया था। और रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज विल जैक रहे थे, जिन्होंने 55 रनों की पारी खेली थी। और बंगलौर की टीम की ओर से 2 बल्लेबाजों ने अशतकीय पारी खेली, 1 रजत पाटीदार ने 52 रनों की अशतकीय पारी खेली और 1 विल जैक रहे थे। और रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु की बल्लेबाजी की ओर से विराट कोहली ने 18 रन बनाए, फाफ डु प्लेसिस ने 17 रन बनाए, विल जैक ने 55 रन बनाए, रजत पाटीदार ने 52 रन बनाए, कमलन गिरी ने 6 रन बनाए, सुयांश प्रभु देसाई ने 24 रन बनाए, महिपाल डोमरो ने 4 रन बनाए, दिनेश कार्तिक ने 25 रन बनाए, करण शर्मा ने 20 रन बनाए, लौकी फर्गुसन ने 1 रन बनाए। और कोलकाता नाइट राइडर्स की गेंदबाजी की ओर से हर्षित राणा ने 4 ओवर में 33 रन देकर 2 विकेट चटकाए, मिचेल स्टार्क ने 3 ओवर में 55 रन देकर 1 विकेट चटकाया, वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 36 रन देकर 1 विकेट चटकाया, सुनील नारायण ने 4 ओवर में 34 रन देकर 2 विकेट चटकाया, सुयांश शर्मा ने 2 ओवर में 33 रन दिए, आंद्रे रसेल ने 3 ओवर में 25 रन देकर 3 विकेट चटकाए। और रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु का पहला विकेट 27 पर गिरा, दूसरा विकेट 35 पर गिरा, तीसरा विकेट 137 पर गिरा, चौथा विकेट 139 पर गिरा, पांचवा विकेट 151 पर गिरा, छठा विकेट 155 पर गिरा, सातवा विकेट 187 पर गिरा, आठवां विकेट 202 पर गिरा, नौवां विकेट 220 पर गिरा और दसवां विकेट 221 पर गिरा। वहीं जीत दर्ज करने के साथ ही कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने पॉइंट टेबल में 10 अंकों के साथ दूसरे पायदान पर पहुंच गई है। वहीं हार के साथ रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु की टीम ने पॉइंट टेबल में 10वें पायदान पर पहुंच गई है। और रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु की टीम ने अब तक 8 मुकाबले खेले हैं और 8 मुकाबले में सिर्फ 1 मुकाबले में जीत मिली है, बाकी 7 मुकाबले में उन्हें हार मिली है। और रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु की टीम लगभग प्ले ऑफ से बाहर हो चुकी है, क्योंकि उनके पास अभी 6 मैच बचे हैं। अगर लगातार 6 मैच भी जीत जाते हैं तो उनका पॉइंट 12 और पहले एक मैच जीते हुए दोनों मिलाकर 14 पॉइंट हो जाएगा। अगर लगातार जीतते हैं तो प्ले ऑफ में पहुंचने की उम्मीद कुछ हद तक बढ़ जाएगी, लेकिन देखते हैं
की रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु की टीम इस बार क्या करती है। आईपीएल का 17वां संस्करण अभी तक रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के लिए कुछ अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि 8 में से सिर्फ एक मुकाबले जीते हैं और ऑरेंज कैप के होल्डर अब विराट कोहली पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर 23 हेड है जिन्होंने 324 रन बनाए हैं और तीसरे स्थान पर रियान पराग है जिन्होंने 318 रन बनाए हैं। वहीं पर्पल कप के होल्डर जसप्रीत बुमराह 13 विकेट लेकर पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर युजवेंद्र सिंह चहल है जिन्होंने 12 विकेट लिए हैं और तीसरे स्थान पर गिरिराज कोचली है जिन्होंने 12 विकेट लिए हैं।